वेलकम बैक टू ए चैनल प्राइम टीम्स, लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो। इसमें अपन बात करेंगे बायजूस के सीए क्लब चैंपियनशिप के मैच जो खेला जाएगा एजीआर वर्सेस टीसीसी। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ हम आपको फाइनल टीम्स प्रोवाइड कर देते हैं और बाकी जो भी ऐप्स में अदर ऑफर्स रहते हैं आप लोगों के लिए वहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। भाई आपने स्पोर्ट्स ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो भाई आप बहुत पीछे हो, स्पोर्ट्स ही ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। यहाँ आपको हर मैच में 10,000 के गिव अवे देखने को मिलते हैं हर मैच में, भाई हर आईपीएल के मैच में आपको 10,000 का गिव अवे देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे स्पेशल लीग और ग्रेजुएट कॉन्टेस्ट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई स्पोर्ट्स ऐप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर आपको बहुत ही कम कॉम्पिटिशन मिलता है आप लोगों को। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आप लोगों को 1 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन मिलती है। ठीक है ना, 1 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, अदर ऐप से यहाँ पे आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन मिलेगी। ठीक है, तो आप स्पॉट सी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आप देख सकते हो हम T10 वगैरह सबकी टीम्स प्रोवाइड करते रहते हैं आप लोगों के लिए, शानदार रिजल्ट्स हम लोगों के वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, जाके एक बार चेक कर लेना। अपन अब चलते हैं सीधा 11 हम आप लोगों को समझाऊंगा इस मैच में, इसमें डिटेल एनालिसिस नहीं है, आप लोगों के स्टैट्स नहीं लाया हूँ, सिर्फ आप लोगों को प्रोबेबल प्लेइंग 11 समझा दूंगा और इनके रूल समझा दूंगा और कैसा है इनका परफॉर्मेंस है वो समझा दूंगा। ठीक है, डिटेल एनालिसिस वीडियो के लिए नहीं है तो देख लेना है ना। पर भाई देखो, ये है कि भले डिटेल एनालिसिस नहीं हो पर मैं आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगा, सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा है ना, पूरा स्टडी करके लाया हूं आप लोगों के लिए। प्लेइंग 11 आपको इतना अच्छे समझाऊंगा, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब एजी वो आरसी से स्टार्ट करता है, यहाँ से आपको सचिन मोहन और मोहम्मद शानू ओपन करते हुए देखेंगे। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, पर आप एक को ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि यहाँ से भाई बॉलर अच्छे हैं। निखिल बाबू लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, बहुत ही शानदार यहाँ से बॉलर है। एम दिनेश आपको केरला के लिए डोमेस्टिक रणजी में खेलते हुए दिख जाएंगे, बहुत ही शानदार ये भी गेंदबाज है, पावर में बॉल डालते। तो भाई देखो, दोनों ओपनर में से एक ओपनर तो फ्लॉप होने वाला है। ठीक है, अब आप देख सकते हो आप सचिन मोहन को ड्रॉप करो फिर मोहम्मद शानू को। मैं हो सकता है कि अभी भाई शानू को बैक करूं, बाकी आपको मैं टॉस के बाद अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, सचिन बेबी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, जिस सबको पता ही भाई आईपीएल खेल चुके हैं। सचिन बेबी केरला के प्लेयर है, बहुत ही शानदार है, ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म बैटिंग कर लेते हैं प्लस और तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक भी डाल लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे सचिन बेबी कैप्टनसी के और वाइस कैप्टनसी के, बहुत ही शानदार चॉइस। अखिल MS चाइन बैटिंग करने आएंगे, ये भी एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, अब बॉलिंग सेक्शन की अगर देखो भैया, बॉलिंग सेक्शन की तरफ मैं आता हूँ। सुदेशन मिथुन यहाँ पे आपको राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग डालते देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मिथुन। बेसिल एन भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट आर्म मीडियम पे डालते हुए आप लोगों को देखेंगे, और यहाँ से जिनेश PM भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यहाँ से कौन कौन रह सकते हैं, एक तो मोहम्मद शानू रहने वाले हैं, सचिन बीबी रहने वाले हैं, सुदेशन मिथुन रहने वाले हैं, बेसिल NP रहने वाले हैं। ठीक है, ये चार प्लेयर तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी पांचवा प्लेयर मैं आपको टीम बनाते हुए बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं अपन TCC की टीम की तरफ। यहाँ से आपको संजीव सत्यसन और अभिराम CH आप लोगों को ओपन करते हुए देखेंगे। संजीव सत्यसन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकते हैं, पिछले मैच परफॉर्मेंस दिया नहीं पर इनके रिसेंट रिकॉर्ड्स डिसेंट है तो अपन इनसे इस मैच में अच्छी खासी उम्मीद कर सकते हैं। अभिराम CH पिछले मैच में 51 रन का स्कोर करके आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं उनको आपको बैक करना है कि नहीं, बाकी मैं आपको टीम जब बनाऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, अब्दुल बैसित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी के बहुत ही शानदार चॉइस, बहुत ही कंसिस्टेंट बैट्समैन है, तीनों में बैटिंग करने आएंगे, हर मैच में 40 से 50 रन बना के दे रहे हैं आप लोगों को, मैंने इनके रिकॉर्ड्स देखे थे, बहुत ही शानदार प्लेयर है भाई अब्दुल बसीत। ठीक है, सचिन सुरेश आप लोगों को विकेट कीपिंग सेक्शन में दिख जाएंगे और अर्जुन AK भी यहाँ से आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखेंगे। ठीक है, यहाँ का विकेट कीपर 5 नंबर बैटिंग करने आएगा और यहाँ से 4 नंबर बैटिंग करने आएंगे सचिन सुरेश, तो आपको देख लेना है वो किसको चूज़ करना है, मैं शायद अखिल MS की या फिर अर्जुन AK की तरफ जाऊँ। ठीक है, मैं आपको बता ही दूंगा सारी चीज़, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको प्लेइंग 11 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपन स्पॉट्स ऐप की तरफ भी चलेंगे, वहाँ भी डिस्कस करेंगे और टीम के बारे में। ठीक है, मोहम्मद कैफ आपको यहाँ से दिख जाएंगे, मोहम्मद आशिक राइट आर्म मीडियम पेज डालते दिखेंगे, एम दिनेश राइट आर्म मीडियम पेज डालते दिखेंगे, CRS नायर भी आप लोगों को राइट आर्म मीडियम पेज डालते हुए दिखेंगे, अफराद रशभ PN भी आप लोगों को राइट आर्म मीडियम पेज डालते दिखेंगे, निखिल बाबू लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर मैंने आप लोगों को बताई दिया। ठीक है, निखिल बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनका सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा कम रहने वाला है पर आपको बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर अब्दुल बजीत रहने वाले हैं, मोहम्मद आशिक रहने वाले हैं, एम दिनेश निखिल बाबू और इन दोनों में से कोई एक ओपनर। ठीक है, ये तो हो गए इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स और थोड़े इनके रोल्स मैंने आप लोग को बता दिए, अपन सीधा चलते हैं अपने स्पोर्ट्स ऐप की तरफ। तो स्पोर्ट्स ऐप के बारे में नहीं पता, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता दिया, अगर आप समझदार होंगे तो आप ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे स्पोर्ट्स ऐप। ठीक है, 1 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन, लेस कॉम्पिटिशन, कोई क्रेडिट का इशू नहीं, और क्या सही है भाई जिंदगी है ना, और हर मैच में गिव अवे और बोनस के और बहुत ही शानदार ऑफर्स। ठीक है, और क्या ही चाहिए जिंदगी, आप मेरे को बताओ। ठीक है,
अपन टीम की तरफ डिस्कस करते हैं, बिकॉज कीपिंग सेक्शन से सचिन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप एक ही अर्जुन की तरफ भी जा सकते हो, पर मैं सचिन को पैक करूँगा, ठीक है। अब बैटिंग सेक्शन से एम शानू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बजीद इंपॉर्टेंट है, ऋत्विक और सतीशन में से मैं एक को लेके जाऊंगा। ऋत्विक के रिसेंट स्कोर्स अच्छे हैं, पर सतीशन भी एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, ठीक है। टॉस के ऊपर डिपेंड करता है किसको लेके जाऊंगा, अभी के लिए मैं ऋत्विक के साथ जा रहा हूं, ठीक है। मोहन इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरे चार बैट्समैन होगा यहां से। ऑलराउंडिंग सेक्शन से सचिन बी भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और एस एस नायर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। ये तो हो गई अपनी दो ऑलराउंडर्स। बॉलिंग सेक्शन पे चलते हैं, निखिल बाबू इंपॉर्टेंट है और बीसी लैन भी इंपॉर्टेंट है और नीचे आते हैं एमदीन निदेश इंपॉर्टेंट है और अपन थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो एक प्लेयर मिस हो रहा है, वो देखता है कौन सा है, और ये एस मिथुन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या सकते हो, क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है ना कि अली विकेट नहीं आएंगे, एम शानू और एस मोहन की तरफ से अली विकेट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ से एमदी निदेश को ड्रॉप करके ना यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो, क्या बोलते हैं अपने मोहम्मद आशिक, ठीक है। ये भी एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है, पर अभी के लिए मैं एमदी निदेश को बैक कर रहा हूँ, जैसे कि भाई मैंने आपको बताया रणजी प्लेयर है तो अभी मैं इनको बैक कर रहा हूँ, ठीक है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी क्लियर कट ऑप्शन, सचिन बीबी कैप्टन रहने वाले हैं और अब भी बसीत रहने वाले हैं वाइस कैप्टन, ठीक है। वाइस कैप्टनसी आप मिथुन को भी दे सकते हो, एक अच्छे खासे प्लेयर हैं ये भी, ठीक है। अभी के लिए तो भाई यही टीम है मेरी, यही था मेरा एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा एनालिसिस पसंद आया होगा, शॉर्ट सिंपल और एक्यूरेट एनालिसिस आप लोग के लिए लाया था, ठीक है। अभी के लिए देखो मेरे यही टीम है, आप टीम का स्क्रीनशॉट लेके ना अपनी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना स्पॉटसी पे, बाकी मैं आपको फाइनल टीम्स प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।